आज के वीडियो में तीन ऐसे बेस्ट डीमैट अकाउंट्स के बारे में बात करेंगे जहां पर आपको डिलीवरी में, इंट्राडे में और फ्यूचर एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग के लिए कोई भी ब्रोकरेज पे करने की जरूरत नहीं है। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था कुछ ऐसे पांच बेस्ट डीमैट अकाउंट्स जहां पर आपको अकाउंट ओपनिंग, AMC और डिलीवरी फ्री मिल जाती थी। वहां पर मैंने आपसे पूछा था कि अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में फ्री ब्रोकरेज वाले डीमैट अकाउंट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट्स करें FO, और मैं बहुत खुश हूँ कि बहुत सारे लोगों ने वहाँ पर FO कमेंट किया। और आप ही की डिमांड पर मैं ये वीडियो लेकर के आ रहा हूँ जहाँ पर मैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग के लिए या इन्वेस्टिंग के लिए आपको फ्री डीमैट अकाउंट्स आज के वीडियो में सजेस्ट करने वाला हूँ। तो वीडियो में लगातार बने रहिए गाइस, मेरा नाम है विकास मीना, आप देख रहे हैं डीमैट डाइव। तो गाइस, इससे पहले भी मैंने कई बार आपको बताया है अगर आप खुद से अपने लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट, बेस्ट ब्रोकर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो चार सिंपल चीज़ों को देख करके आप अपने लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट ढूंढ सकते हैं। ये चार चीज़ें कौन सी है, इसको मैं बताता हूँ आपको टोकस फॉर्मूले की फॉर्म में, जिसमें चार टर्म्स आती हैं TOC और S। अब यहाँ पर जो चारों टर्म्स हैं इनका मैं एक मीनिंग आपको बताता हूँ। टी से यहाँ पर आता है टेक्नोलॉजी, ओ से आता है ऑर्डर टाइप, सी से आता है चार्जेस और एस से आता है कस्टमर सर्विस यानी कि सर्विस। तो इन चार चीज़ों को अगर आप किसी ब्रोकर के अंदर चेक कर लेते हैं तो अगर ये चार चीज़ें आपको बेहतरीन मिल जाती है किसी एक डीमैट अकाउंट के अंदर, एक ब्रोकर के अंदर, तो आप उस ब्रोकर को अपने लिए चुन सकते हैं। अब यहाँ पर जो तीसरी टर्म है चार्जेस, इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट भी किया जाता है और काफ़ी इन्वेस्टर भी ऐसे हैं जो इस चीज़ पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते हैं, काफ़ी ट्रेडर्स हैं। अब ऐसा होता क्यों है, चार्जेस की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है, ये मैं आपको भी एक एग्जांपल से समझाऊंगा। बहुत ही ध्यान से आपको एग्जांपल देखना है, आपको शेयर मार्केट की बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता चलेंगी जो शायद आप अगर बिगिनर है तो आपको पता नहीं होंगी। एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर एक किराने की दुकान का, मान लेते हैं एक किराने की शॉप है जो यहाँ पर 1,00,000 रुपए का अपना कोई मान लीजिए बिस्किट का एक वो प्रोडक्ट बेचता है, तो 1,00,000 रुपए की बिस्किट वो लेकर के आता है। अब इस 1,00,000 रुपए की बिस्किट से अगर उसे प्रॉफिट अर्न करना है तो उसे इस 1,00,000 रुपए की बिस्किट को एक ऐसे दाम पर बेचना पड़ेगा जहां पर उसे प्रॉफिट हो। इसी तरीके से जब आप शेयर्स को खरीदते हैं तो शेयर्स को खरीदने के पीछे भी आपके कुछ खर्चे होते हैं, और शेयर मार्केट से भी आप प्रॉफिटेबल तभी बनते हैं जब आप उन खरीदे हुए शेयर्स को आपके खरीदे हुए दाम और खर्चे मिलाकर के उससे ज्यादा के प्राइस पर आप सेल कर पाते हैं। अब किराने की दुकान के एग्जाम्पल से ले लेते हैं, 1,00,000 रुपए की बिस्किट यहाँ पर खरीदी गई हैं, इसके साथ साथ यहाँ पर 10,000 रुपए का रेंट और इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, इसके अलावा 10,000 रुपीज का यहाँ पर सैलरी दिया गया है, क्योंकि किराने की दुकान पर भी आप देखते हैं एक या दो एम्प्लॉयज तो होते ही हैं। तो हम यहाँ पर एक एम्प्लॉयज मान लेते हैं, 10,000 रुपए की सैलरी उसे दी गई है, तो 10,000 रेंट हो गया, 10,000 सैलरी हो गई, इसके अलावा अदर एक्सपेंसेस भी हम मान के चलते हैं 10,000 रुपए के यहाँ पर लग जाते हैं। तो अब यहाँ पर 1,00,000 रुपए की बिस्किट से प्रॉफिटेबल वो तब बनेगा जब वो दुकानदार इस 1,00,000 रुपए की बिस्किट को 1,30,000 से ज्यादा के प्राइस पर बेचेगा। आई होप कि आप इस चीज को समझ पा रहे हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और इस 1,30,000 रुपए वाले पॉइंट को ही हम बोलते हैं ब्रेक इवन। अब यहां पर क्वेश्चन ही आता है कि अगर आपका यहाँ पर 1,30,000 जो 30,000 रुपये का खर्चा है उस खर्चे को कम कर दिया जाए, मान लेते हैं यहाँ पर जो रेंट है वो फ्री हो जाता है, अगर उस दुकानदार को फ्री में दुकान मिल जाती है तो 10,000 रुपये का उसका रेंट कम हो गया, तो इस केस में उसका जो ब्रेक इवन है वो 1,20,000 रुपये पर ही आ जाता है। यानी कि अब अगर वो 1,21,000 रुपये में भी उस बिस्किट्स को बेच देता है तो भी वो प्रॉफिटेबल हो जाएगा। वही पहले जब उसका रेंट लग रहा था 10,000 रुपये का तो उस केस में वो 1,31,000 पर जाकर के प्रॉफिटेबल हो पाता था। अब शेयर्स के केस में भी सिंपल फॉर्मूला अप्लाई होता है। बहुत सारे जो बिगनर्स हैं उनको पता नहीं होता है कि ब्रोकरेज के अलावा भी बहुत सारे रेगुलेटरी चार्जेस हैं जो आपसे अप्लाई किए जाते हैं। अब ये क्या क्या रेगुलेटरी चार्जेस हैं एक बार देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपसे लगता है STT सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स, जो कि होता है 0.1%। इसके बाद यहाँ पर लगता है एक्सचेंज फीस ट्रांजेक्शन चार्जेस के नाम से, जो होती है 0.00325% NSE पर और 0.00375% BSE पर। इसके बाद यहाँ पर आपसे चार्ज अप्लाई किया जाता है SEBI की फीस होती है, SEBI भी यहाँ से चार्ज लेता है 0.0001%। इसके अलावा स्टैम्प ड्यूटी अगर आप डिलीवरी में शेयर्स को खरीदते हैं तो 0.015% की रेट से स्टैम्प ड्यूटी लगती है। इसके अलावा GST भी लगता है, 18% GST लगता है, और ये GST लगता है ब्रोकरेज के ऊपर, SEBI की फीस के ऊपर और ट्रांजेक्शन चार्जेस के ऊपर। अब इन सब चार्जेस को अगर आप मिला दें, अगर आप इन सारे चार्जेस को जोड़ देते हैं, ये सिर्फ बाय साइड की बात कर रहा हूँ, तो जोड़ने पर ये जो नंबर बन जाता है 0.00885%, 0.11885% का। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आप 1,00,000 रुपए के शेयर खरीदते हैं
तो 118.85 पैसे आपको गवर्नमेंट की इन सारी एंटिटीज को देने पड़ते हैं। सेबी है, एक्सचेंज है, डिपॉजिटरी है, स्टैम्प ड्यूटी के फॉर्म में गवर्नमेंट भी, स्टेट गवर्नमेंट भी आपसे टैक्स लेती है। तो ये सारे चार्जेस जो है 1,00,000 रुपए की बाइंग पर आपको 118.85 यानी कि करीब करीब 119 रुपए का चार्ज आपको इन सब एंटिटीज को पे करना पड़ता है। अगर आप सेल करने जाते हैं तो डिलीवरी में स्टैम्प ड्यूटी की जगह आपसे अप्लाई किया जाता है डीपी चार्ज, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का चार्ज होता है CDSL या NSDL का, तो वो भी लगभग लगभग उतना ही होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हम यहाँ पर कुल मिलाकर के जो समझने की कोशिश कर रहे हैं वो ये कि 1,00,000 रुपए की बाइंग पर आपके करीब करीब 119 रुपए रेगुलेटरी चार्जेस में चले जाते हैं। इसके बाद आता है ब्रोकरेज। तो ब्रोकरेज आज की डेट में जो डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं वो आपसे 20 रुपए का ब्रोकरेज चार्ज करते हैं, 20 रुपए बाई साइड पर, 20 रुपए सेल साइड पर, यानी कि 40 रुपीज डिलीवरी में भी, ऑप्शन में भी, इंट्राडे में भी, लगभग लगभग सभी ब्रोकर्स में आज की डेट में 20 रुपए का चार्ज है। लेकिन अगर कोई ऐसा ब्रोकर आ जाए जो आपका ये 40 रुपीज का चार्ज बचा सके तो इससे फायदा क्या होगा, अगेन आपका जो ब्रेक इवन आ रहा था 160 रुपए ऊपर, यानी कि अगर आप ब्रोकरेज पे कर रहे हो 1,00,000 रुपए के शेयर की बाइंग पर, तो आपका जो ब्रेक इवन बनेगा वो 1,01,60 रुपए के ऊपर बनेगा। जब उन शेयर्स की वैल्यू 1,01,60 रुपए से ज्यादा हो जाएगी तब आप उन शेयर्स को सेल करने पर प्रॉफिटेबल होंगे। वहीं अगर आपको कोई ऐसा ब्रोकर पता चल जाए जहां से आप ट्रेडिंग कर पाए और आप वहां पर ब्रोकरेज जो है उसको बिल्कुल जीरो कर पाए, तो अब जो आपके पूरे एक्सपेंसेस हो जाएंगे वो हो जाएंगे सिर्फ और सिर्फ 120 रुपए 119 रुपए, क्योंकि सिर्फ रेगुलेटरी चार्जेस ही आपको देने हैं, आपको कोई ब्रोकरेज पे नहीं करना है। तो उस केस में आप जो आपका ब्रेक इवन बना पाएंगे वो 1,120 रुपए के ऊपर ही बना पाएंगे, यानी कि यहाँ पर आप अब उन शेयर्स को जल्दी सेल कर सकते हैं और ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, जैसा कि मैंने किराने की दुकान के एग्जाम्पल से समझाया। तो अब इसके लिए आपको ज़रूरत होती है एक ऐसे डीमैट अकाउंट की जहाँ पर आपको ब्रोकरेज फ्री मिलता है। तो आज मैं आपको 3 ऐसे बेस्ट डीमैट अकाउंट्स बताने वाला हूँ जो आपको बिल्कुल फ्री में इंट्राडे की, ऑप्शंस की और डिलीवरी की ट्रेडिंग बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है, और इन सभी जगह अकाउंट ओपनिंग भी लगभग लगभग आपको फ्री मिलने वाली है। तो यहाँ पर इस लिस्ट में जो पहला ब्रोकर आ रहा है उसका नाम है फ्लैट ट्रेड। तो फ्लैट ट्रेड का जो डीमैट अकाउंट है एक ऐसा डीमैट अकाउंट है जहाँ पर आपको लगभग लगभग सभी चार्जेस अकाउंट ओपनिंग से लेकर के AMC, इसके अलावा भी दूसरे चार्जेस, ब्रोकरेज चार्जेस की स्पेशली बात हो रही है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के ब्रोकरेज चार्जेस आपको इंट्राडे में फ्री मिल जाते हैं। इसके अलावा डिलीवरी भी आपको फ्लैट ट्रेड में बिल्कुल फ्री मिल जाती है। इस ब्रोकर को हम थर्ड नंबर पर रख रहे हैं क्योंकि एक वेल नोन, वेल एस्टेब्लिश्ड ब्रोकर नहीं है, तो हम मान के चल रहे हैं कि अभी इसके पास टेक्नोलॉजी भी शायद उतनी नहीं होगी, लेकिन हो सकता है कि ये ब्रोकर भी इंप्रूव करें फ्यूचर में। तो अगर कभी इंप्रूवमेंट होगी तो हम इस लिस्ट में हो सकता है फ्लैट ट्रेड को भी ऊपर लेकर के आए। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ सारे ही ब्रोकर जो है वो लगातार अपने आप में इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करते रहते हैं और इनकी रेगुलर इनके मोबाइल ऐप में भी अपडेट्स आती रहती हैं। तो अभी हम फ्लैट ट्रेड को थर्ड नंबर पर रख रहे हैं। बात करते हैं जो सेकंड नंबर पर ब्रोकर आ रहा है उसका नाम है यहाँ पर कोटक सिक्योरिटीज का ट्रेड फ्री यूथ प्लान या ट्रेड फ्री प्लान। अगर आपकी 30 ईयर से कम है तो आप ट्रेड फ्री यूथ प्लान ले सकते हैं जिसका एंजॉय आप सिर्फ 2 साल के लिए ही कर पाएंगे। पहले स्टार्टिंग में जब इन्होंने ये प्लान स्टार्ट किया था तो ये सभी के लिए ओपन था, लेकिन अब अगर आपकी एज 30 ईयर से कम भी है तो भी 2 साल बाद आपको ऑटोमेटिकली स्विच कर दिया जाएगा ट्रेड फ्री प्लान के अंदर, ट्रेड फ्री यूथ प्लान से ट्रेड फ्री प्लान के अंदर आपको डाल दिया जाएगा, जहां पर भी आपको डिलीवरी शायद फ्री ना मिले लेकिन आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। वहां पर आपको जो 40 रुपए का ब्रोकरेज मैंने बताया वो नहीं लगने वाला है। तो कोटक सिक्योरिटीज हो गया दूसरे नंबर पर, थर्ड नंबर पर हो गया यहाँ पर फ्लैट ट्रेड। फर्स्ट नंबर पर जो ब्रोकर यहाँ पर आ रहा है वो उसका नाम है फिनवेशिया। फिनवेशिया यहाँ पर आपको अकाउंट ओपनिंग फ्री देता है, अकाउंट मेंटेनेंस आपको फ्री देता है, इसके अलावा यहाँ पर आपको डिलीवरी फ्री मिल जाती है, आपको इंट्राडे ट्रेडिंग फ्री मिलती है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग भी आपको फिनवेशिया में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। तो इसीलिए फिनवेशिया को हमने यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर रखा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि जो ब्रोकर सेकंड और थर्ड नंबर पर है वो खराब है या बेकार है, आप चाहे तो उन अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से उनमें भी अपना डीमैट अकाउंट बना सकते हैं। इन सभी ब्रोकर के कंपैरिजन वीडियोस भी हमने अपने चैनल पर डाले हुए हैं, साथ साथ इनके ऊपर सेपरेट प्रोज एंड कॉन्स के वीडियोस भी हमने बना रखे हैं, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, उनके इनके जो डिटेल वीडियोस हैं आप उनको भी एक बार प्लीज जाकर के देखिएगा, उसके बाद ही अपना कोई डिसीजन लीजिएगा। यहां पर आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया लाइक करें, और आप किस ब्रोकर के बारे में अपना रिव्यू जानना चाहते हैं उस ब्रोकर का नाम जरूर कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिएगा ताकि हम आपके लिए उसके ऊपर भी वीडियो लेकर के आए। इसके अलावा ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, इसलिए यहां पर तीनों ही ब्रोकर के आपको कोई भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलेगी। हमेशा की तरह जो मेरे फेवरेट डीमैट अकाउंट्स है ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स, एंजल वन, उन तीनों का ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप चाहे तो जाकर के उनमें भी डीमैट अकाउंट बना सकते हैं। 20 एंड 40 रुपीज़ का जो अमाउंट है वो कोई बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट भी नहीं है, और अगर आप लॉन्ग टर्म
इन्वेस्टिंग करते हैं, बहुत ज्यादा ट्रेडिंग भी नहीं करते हैं, तो आपके लिए ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स या एंजल वन भी काफी अच्छा डीमैट अकाउंट हो सकता है। आज की वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं फिर से नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।